तो आज की कथा में हमको संकल्प लेना है, देखो छोड़ना है तो आज ही छोड़ सकते हो, कल परसों के भरोसे बैठे रहोगे तो जीवन भर निछूटने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोग राम कथा सुने हो, भगवान का रस कानों में गया है, अब क्या अचरा कचरा खाना, क्या गलत सलत चीजें पीना। हाँ, आजकल फैशन चल रहा है, पढ़े लिखे लोग जो हैं ना, जो अपर क्लास के लोग हैं, मैं तो कहता हूं उनसे ज्यादा कोई लोअर क्लास होता ही नहीं। जो लोग अपर क्लास मानते हैं कि भाई हाई सोसाइटी में रहने वाले हैं, पीना वीना तो वहां फैशन है, घर पर खाना नहीं खाना है, होटलों में जाकर गंदगी भरा भोजन करते हैं और वहां बोतलें खोल करके सब कुछ चलता रहता है। हमें वैदिक काल की ओर जाना है, अंग्रेजों की ओर नहीं जाना है। कितना ही बाल कलर करवा लो, रहोगे इंडियन ही, रहोगे भारतीय ही। कितना भी फ्रेंच कट कोई दाढ़ी रख ले, वो अंग्रेज नहीं हो जाएगा, भारतीय ही कहलाओगे। विदेश में भी चले जाओ, भले ही पूरी जिंदगी गुजार दो, लेकिन गिना जाएगा इंडियन। तो जब तुम्हें इंडियन ही तुम्हारी पहचान है, तो क्यों ना हमको अपनी भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, अपनी भारतीयता की ओर लौटना चाहिए हमको, पुरानी सभ्यता की ओर। इसलिए आज की कथा में हमको ये संकल्प लेना है कि हम भी नशा छोड़ेंगे और जो लोग नशा कर रहे हैं उनको भी प्रार्थना करेंगे। तैयार हो? आज मैंने डायरेक्ट हाथ नहीं उठवाया, पहले आपको पूछा है। मुझे पता है कि हाथ उठा करके बाद में गड़बड़ करो ना, तो ये दोष मुझे भी लगेगा और तुम्हें भी लगेगा। इसलिए सब लोग यदि तैयार हैं कि आज से हम नशा परित्याग करेंगे, भाई कथा से इतनी तो दक्षिणा हमारी बनती है ना भाई, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। ये जितने भी बीड़ी सिगरेट गुटके वाले लोग हैं, आज दक्षिणा में ये बुराई ही मुझे दे दो, मैं जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। और इसकी शुरुआत हम मंदसौर से करते हैं। तो हम सब हाथ उठा करके संकल्प लें, जो नहीं करते वो भी हाथ उठाएंगे, ताकि भविष्य में करेंगे नहीं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाथ उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। माताएं भी, हाँ, बाद में ऐसा ना हो कि बापू ने माताओं को तो कहा नहीं था, तो जय जय सिया हम तो पी सकते। हाथ उठाओ सब लोग, अपना सब लोग नाम लेंगे। मैं व्यासपीठ के समक्ष संकल्प लेता हूं कि आज से के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को भी नशा करने से रोकेंगे, अपने पति और पत्नी को भी, माताएं पति बोलेंगी और भाई लोग पत्नी बोलेंगे, एक दूसरे को भी विनम्रता के साथ नशे से मुक्त होने की प्रार्थना करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये नशा कितने घरों को बर्बाद किया है साहब। एक शराबी, पता है, रात्रि में एक शराबी कहीं जा रहा था, लड़खड़ाता हुआ, अचानक उसको एक आदमी मिला आधी रात को। उसने, बड़े भाई इधर आ, इधर कहां जा रहा है? अरे बोले, क्या बताऊं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहा हूं, तो किसी डॉक्टर की तलाश में जा रहा हूं कि शायद कोई हॉस्पिटल खुला हो, कोई क्लिनिक खुला हो। तो कहते हैं वो शराबी बहुत हंसा, ठहाका मार कर हंसा। अरे बोले, सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है? तो जेब से बोतल निकाल, ये ले, सिर पर डाल ले, सिर दर्द खत्म।
उसने कहा भैया क्यों मजाक करते हो, ये शराब की बोतल से सिर दर्द खत्म? अरे बोले गारंटी है हमारी, इस बोतल ने हमारा परिवार खत्म कर दिया, हमारा सारा धन खत्म कर दिया, जीवन खत्म कर दिया, तो क्या तेरा सिर दर्द नहीं खत्म करेगा? डाल कर तो देख। नशे में बोला लेकिन बात बड़ी कीमती बोला। इस नशे ने कितने घरों को बर्बाद किया है। हाँ, तो एक तो नशा और दूसरा मांसाहार। अब नशा है तो इसका मतलब है मांसाहार भी हमने संकल्प किया है। गलत अर्थ न करना, कोई भी नशा, मांसाहार करना भी एक नशा है, तो हमको मांसाहार भी नहीं लेना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज अंडे में बड़ा प्रोटीन होता है, ताकत होती है। हाँ, मांस में ज़्यादा ताकत होती है। भाई मैं मेडिकल का छात्र तो नहीं रहा, लेकिन अपनी सीधी सादी भाषा में यदि आपको मैं कहूँ, यदि अंडे में मांस में ज़्यादा ताकत है तो बिल्ली हाथी क्यों नहीं हो गई? हाँ, बिल्ली जिंदगी भर चूहा खाती है, हाथी क्यों नहीं हो गई वो? और हाथी बेचारा शुद्ध शाकाहारी होता है, लेकिन सिंह भी सामने आ जाए तो उसको पछाड़ करके रख देती है। ये तुम लोगों को मूर्ख बनाया गया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये अंग्रेजों की मानसिकता, गुलामी है ये। क्यों नहीं समझते हो भारत के लोगों, ये तुम लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा गया। कहां आयुर्वेद में कहा गया कि अंडे खाओ? हाँ, और हमारी आयुर्वेद से ये दुनिया के लोग एलोपैथी बनाए, क्या क्या बनाए, और बाद में वही लोग आकर के अंडे और मांस खिला करके हमको बीमार करते हैं, और बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं। कृपया भारत के वासियों जागो, ना गलत चीजें हम खाएंगे ना बीमार पड़ेंगे। अरे तुम्हारा पेट है कि कब्रिस्तान है साहब? हाँ, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। गांधी जी की कहीं एक एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कि धोखे से बचपन में उन्होंने बकरी का मांस किसी ने खिला दिया, तो कहते पूरी रात गांधी बापू को पेट में बकरी चिल्लाती हुई दिखाई दी कि बकरी चिल्ला रही। कृपया मेरी सभी को प्रार्थना है, यंग जनरेशन को भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि इन विदेशियों के बहकावे में मत आओ, इन लोगों के बहकावे में मत आओ, अपना शुद्ध सात्विक आहार लो, बॉडी भी तुम्हारी सुंदर रहेगी, चेहरा भी तुम्हारा सुंदर रहेगा, और मन मस्तिष्क भी तुम्हारा सुंदर बनेगा। कृपया गलत आहार को न दो। कोई हमको बताए कि मांस खाने से जिंदगी भर कोई व्यक्ति स्वस्थ रह गया हो? मांसाहार करने वाले लोग भयंकर बीमारियों के शिकार होते हैं, इसलिए शुद्ध सात्विक आहार लो। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप सभी को मैं एक ही दक्षिणा मांगता हूं भैया, कि दक्षिणा में आप अपनी बुराइयां हमको दे दो, व्यासपीठ के समक्ष छोड़ करके जाओ संकल्प लेकर, ताकि फिर कभी आपके प्लेट में सामने आए ना तो आपको चिन्मयानंद बापू नजर आएंगे कि मैंने उनको वचन दिया था, संकल्प किया था। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।